हाय दोस्तों, टेक्निकल हेल्पिंग केशव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब आपको अपना लोड अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन बहुत आसानी से घटा या बढ़ा सकते हैं। ये प्रोसेस मैं आपको अपने स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ, आप उसे देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सुविधा ऐप को ओपन करेंगे। सुविधा ओपन करने के बाद यहाँ देखेंगे लोड का कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे देखेंगे लोड का ऑप्शन है, उसे क्लिक करने के बाद अपना जो बिजली का सीए नंबर होगा उसे इंटर करेंगे। करने के बाद फैच डिटेल्स हैं, वहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे फैच डिटेल्स क्लिक करेंगे, आपका नाम और कितना किलोवाट लोड लिया है ये आपको दिखाई देगा। तो आपको जो भी लोड अब डालना है, जैसे इसमें पहले से 2 किलोवाट का लोड ले रखा है, आपको 4 किलोवाट डालना होगा, 2 अगर बढ़ाना है तो 4 लिखना होगा। तो 4 लिखने के लिए देखेंगे नीचे नया लोड लिखा हुआ, तो वहाँ 4 लिखकर वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपको मोबाइल पे जो ओटीपी गया होगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा, ध्यान रखेंगे उसी पे ओटीपी जाता है, वो ओटीपी इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सबमिट करेंगे, और उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, तो वो रिक्वेस्ट नंबर को नोट डाउन करके रख लेंगे, भविष्य में हो सके आपको काम भी करे। लगभग 1 महीने का इसमें समय लग जाता है। मैक्सिमम आपका जो लोड है आपके बिल में बढ़ के चला आता है, और जो भी उससे संबंधित चार्ज है, जैसे 1 किलोवाट का अभी परसेंट में 800 रुपया चल रहा है डोमेस्टिक का, तो 800 रुपया आपके बिल में इंक्लूडेड हो जाएंगे। और अगर आपका NDS कनेक्शन है तो 1300 या 1400 लग रहा है, जो कि आपके बिल में ही ऐड होकर आता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी इसी तरह की आगे भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे।